what you want. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. तो स्वागत है आपका एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में दोस्तों। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हम कि जो अपना जो क्रोम होता है दोस्तों, ठीक है, इस तरीके के जो पार्ट्स होते हैं बाइक के अंदर, जैसे कि ये जो हमारा साइलेंसर है दोस्तों, या फिर हमारा जो ये ब्रेक का है, या फिर ये हमारा जो है यहाँ पर पैर रखने का, तो ये सब जो है क्रोम से बने हुए होते हैं। तो क्रोम से बने हुए चीज़ों में होता क्या है कि ये जो है थोड़े दिन बाद क्या होता है, पॉलिश इनकी ख़राब हो जाती है। तो इनकी जो पॉलिश है, आप पुरानी पॉलिश को जो है बिल्कुल नई जैसी कर सकते हो, जैसे नई बाइक आती है वैसी जो है पॉलिश दोबारा इस पर कर सकते हो। तो किस प्रकार से कम कर सकते हो दोस्तों, आप बहुत कम खर्चे में सब चीज़ें आप कर सकते हो। तो आता हूँ मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो चीज़ है, ये इसकी पॉलिश है, और देख सकते हैं ये जो है एक पाउडर टाइप आता है, और ये आपको जो है मार्केट में जो है किस प्रकार से मिलेगा, किस प्रकार से आप जो इसे परचेज कर सकते हो। मैंने दोस्तों यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियो देखी, उसमें जो है लोगों ने बता रखा है कि इसे क्रोम पाउडर बोलते हैं या फिर निकल पाउडर बोलते हैं, लेकिन मुझे मार्केट में कहीं पर भी नहीं मिला। ठीक है, मैं ढूंढता रहा पर मुझे मार्केट में नहीं मिला। तो दोस्तों इससे जो है सीधी और आसान भाषा में बताता हूँ कि ये जो है हमारा रेलिंग आती है, स्टील की रेलिंग, ठीक है, तो स्टील की रेलिंग को जो चमकाने का जो पॉलिश आता है दोस्तों, वो है ये। ठीक है, तो आराम से आपको कैसे मिलेगा कि जो स्टील वाले की दुकान होती है, जो स्टील रेलिंग का काम करते हैं, तो वहाँ पर जाकर आप इसे जो है ले सकते हो। ये 50 रुपये का जो है आधे किलो हमारे यहाँ पर मिलता है, और इसकी जो प्राइस है अलग अलग हो सकती है आपके मार्केट के अकॉर्डिंग। ठीक है, हमारे यहाँ पर 50 रुपये का एक किलो मिलता है, तो मैं 20 रुपये का जो है पावर लेकर आते हैं। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि इस तरीके का पाउडर होता है, इसे आपको जो है इसके अंदर पानी में जो इस तरीके से मिला लेना है। ठीक है, आपको थोड़ा गाढ़ा रखना है इसको, जिससे कि ये जो है आराम से चिपक जाए। गाड़ी पे इसको जो है अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं अप्लाई कर देता हूँ फटाफट फटाफट से। लोगों, आप लोगों को इस तरीके से जो है अपनी पूरी बाइक पर इसको जो है रगड़ रगड़ के लगा लेना है। जितना आप इसको रगड़ोगे, ठीक है, उतना जो है ये अच्छा कलर आपको देगा। ठीक है, मेरी बाइक जो है काफ़ी पुरानी है, और इसका जो क्रोम है वो जो है काफ़ी सारा हट चुका है। ठीक है, बाकी फिर भी दोस्तों इसने जो है काफ़ी अच्छा कलर हमको यहाँ पर दिया है, देख सकते हैं दोस्तों। मैं इसको फटाफट से जो है साफ करता हूँ पूरा क्लियर एक एक चीज़ों को, और बताऊँगा कि कैसी शाइन आपको दिखने वाली है। ठीक है, यहाँ पर कोई फेक वेक भी नहीं है, कुछ भी रियलिटी है, जो वही आपको बताऊँगा मैं। ठीक है, तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें जो है काफ़ी अच्छी शाइन मेरे को यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है पूरी बाइक को जितना ज़्यादा रगड़ोगे ना, उतना ज़्यादा साफ होएगा, जितना अच्छा कलर आपको प्राप्त होगा यहाँ पे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास जो है रबिंग मशीन है, जिससे हम जो है रबिंग मशीन आती है दोस्तों, जिससे आप जो है इसे आराम से मशीन के द्वारा साफ़ कर सकते हो ढंग से, अगर आपके पास वो है तो आपका जो है काफ़ी अच्छा जो है कलर यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है,
तो अगर आपके पास ये अवेलेबल है तो उससे कर सकते हो। बाकी अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है मशीन तो आप जो है हाथ से इसको ढंग से रगड़ कर पूरा क्लियर कर सकते हो। और जो शाइन है आप देख सकते हो कि जहाँ जहाँ ढंग से क्रोम लगा हुआ है हमारे बाइक में वो काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिंग दे रहा है। ठीक है, मेरी जो बाइक है काफ़ी पुरानी बाइक है, 2012 मॉडल है मेरी बाइक का, तो ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है। ठीक है, और इसको जो है मैं फुल मॉडिफाई करने वाला हूँ। एक एक वीडियो में आपको बताऊँगा कि कितने कम पैसे में इसको मैं पूरी मॉडिफाई करूँगा, पूरी मॉडिफाई टू जेड। ठीक है, इंजन से लेकर दोस्तों इसका कलर पेंट सब कुछ जो है मॉडिफाई करने वाला हूँ, तो वीडियो इस चैनल पर आती रहेगी। ये करके मैं फुल मॉडिफाई करने वाला हूँ इस बाइक को। ठीक है, तो अभी हाल फिलहाल इसकी बात करते हैं कि हमने क्या किया। देख सकते हैं दोस्तों इसकी जो रिम है बिल्कुल जैसे न्यू रिम आती है दोस्तों, वही वही कंडीशन, वही सब कुछ वैसा ही कलर हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी जो है हमें शाइनिंग यहाँ पर मिल रही है। ठीक है, तो भाई एक नंबर आपको शाइनिंग मिलेगी। और यहाँ पर कोई फेक वाली वीडियो नहीं बना रहा हूँ मैं, रियलिटी है। ठीक है, आपको मैंने बताया दिया रेलिंग पाउडर इसे बोलते हैं, आपको इसे भिगो कर रखना है और भिगो कर जो है अपनी बाइक के ऊपर अप्लाई कर देना है और हटा लेना है। ठीक है, सूखने के बाद तो इस तरीके से आप अपनी बाइक को जो है फुल तरीके से आप जो है चमका सकते हो। सिर्फ ये क्रोम पर ही काम करता है, तो ये ध्यान रखिए क्रोम पर ही काम करेगा ये। ठीक है, अदर पार्ट्स पे जहाँ पर कलर हुआ है वहाँ पर काम ये नहीं करेगा। ठीक है, तो क्रोम पर इसे जो है लगाएं और बिंदास अपनी बाइक को फुल चमकाएं सिर्फ 10 से 20 रुपए के अंदर। If you feel